मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज को अब बहनों की चिंता हो रही है, 18 साल से वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि शिवराज भले ही मुझे अपना छोटा भाई मानते हों, लेकिन वो मेरे बड़े भाई नहीं हैं। बुधनी के भैरुंदा में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने लाडली बहना योजना को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज मंच से भाषण देते हुए कहते हैं कि मुझे सपना आया है प्रदेश की बहनों के हाथ मजबूत किए जाएं, जिसके लिए उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की। लेकिन क्या वो 18 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? कुंभकर्ण तो 6 महीने में उठ जाता था, लेकिन ये तो 18 साल से उठ ही नहीं रहे थे। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि हमारे नेता कमलनाथ ने वादा किया है कि हम प्रदेश की माताओं बहनों को 1500 रुपए महीने देंगे, साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। सरकार बनते ही हम ये वादा पूरा करेंगे। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि यदि आपने बुधनी विधानसभा से कांग्रेस को जिताया तो हम भैरुंदा को जिला घोषित करेंगे। मुझे सपना आया, मुझे सपना आया कि बहनों के हाथ अब मजबूत करना चाहिए। 18 साल बाद नींद खुली। अबे कुंभकर्ण से भी बड़ा खतरनाक आदमी तू, तो वो तो 6 महीने में उड़ जाता था, तू 18 साल में होता क्या? मेरा वो सपना आया कि बहनों के हाथ मजबूत करना। 1000 रुपए मेरी बहनों को मैं दूंगा। उसके माता पिता 5 लोगों की हत्या कर दी, हत्यारा मामा, अरे जोड़ पे तो सारे निमान, अरे हेलीकॉप्टर से तो कार से चला जाता, उनके आंसू बो जाता, लेकिन आदिवासी तो उसके लिए सिर्फ वोट देंगे। ये तो मुझे वोट देंगे, मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। कमलनाथ जी ने मुझे तत्काल भेजा कि जाओ उन पीड़ित परिवार से मिलो। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि बुधनी की पिच, जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से विकेट का इंतजार कर रही है, इस पिच का हम लोग मौका मुआयना करने आए थे और निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान पहली बॉल पर यहां से क्लीन बोल्ड होंगे। वहीं पर्वतारोही मेघा परमार ने कहा कि कांग्रेस में ही नारियों का सम्मान होता है। मैं तो राजनीति में खेल भावना से रहा हूँ, और राजनीति को हमेशा खेल के अनुसार ही मैंने खेला है। मैंने कहा था कि बुधनी की पिच, जिसके विकेट का बहुत दिनों से इंतजार कर रही कांग्रेस पार्टी, उसको कौन सी गोल पे बोल्ड किया जा सकता, वो मेरे पास है। आज मैं माननीय सज्जन वर्मा जी के साथ, जो हमारे वरिष्ठ हैं, पिच का मुआयना करने आए थे, और हमें ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से पहली बॉल पे ही वो निश्चित रूप से बोल्ड होंगे और ये विकेट जो हमको चाहिए वो अवश्य। मैं कहूँगी कि जिस तरह से मेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तौर में काम करी, जो गोल्ड मेडल था जो छीना गया, तो मेरे कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी भैया लोग मेरे साथ डट के खड़े रहे। तो ये दर्शाता है कि यहाँ नारी का असली सम्मान। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।